हम क्या किसी को मुसलमान बना सकते हैं? हमारा चेहरा जब उस लाइक रहेगा तब ना देखा के मुसलमान बनाएंगे। और मेरे खाजा कुरान के तिलावत करते थे तो लोग मुसलमान होते थे। हम लोग अब अल्लाह के फजल को पढ़ते ही नहीं, पढ़ते हैं ना पढ़ते हैं। तो कुरान घर में कब खुलेगा? जब दादी मरेगी तब, नानी मरेगी तब, मोहल्ला में कोई आदमी मरा तो खुला, नहीं मरा तो नहीं खुला। कुरान कब खुलता है? जब मियाँ बीबी में झगड़ा होता है, लाओ कुरान खाओ कसम। जब मोहल्ला में चोरी होता, जब मोहल्ला में किसी को शैतान पकड़े तब लाओ कुरान छुड़ाओ शैतान। अब तो लगता है हमारे यहाँ कुरान आया है कि कसम खाया यार। वो दौर लग गया जब बहू आती थी तो सबसे पहले पूछा जाता था कुरान मिला है कि नहीं या जान नमाज मिला है कि नहीं। मिल जाए कुरान, मिल जाए जान नमाज, तो पूरे मटियापुर में सब फलाने की बहू आई है, नमाज भी पढ़ती है कुरान भी पढ़ती है, सुभान अल्लाह। जब बरात पलट के जाती तो कोई नहीं पूछता है कुरान मिला है कि नहीं या जान नमाज मिला है कि नहीं। हर आदमी यही पूछता है टीवी छोटा मिला है कि बड़ा, बिजली के लाइट मिला है कि कलर टीवी। कल लोग अपने बच्ची को कुरान देते थे, ले बेटी कुरान दिन रात पढ़ते रहना। आज अपने बेटी को टीवी देते, ले जा शैतान का टुकड़ा, इसका कान पकड़ के हटते रहना, अपने भी तबाह रहना, पूरे मोहल्ला को बर्बाद कर देना। बीबी रोड पर घूम रही है लेकिन टीवी पर मखमल का पर्दा है रे बुदुआ, कितना बड़ा अकल का टूअर है। लाख रुपया के बीबी को लिपस्टिक लगा के बंगाली बाजार भेज दिया, अब 15,000 के टीवी को पर्दा में रखा। ये बुद्धू को बोल कि टीवी पर से पर्दा हटा, बीबी को पर्दा लगा। जिस पर पर्दा रहना चाहिए वो बंगाली बाजार में घूम रहा है, और टीवी को पर्दा लगा के पर्दा नसीब बनाऊ। हालत देखिए क्या हो गया है। पर्दा लगा किसको रहना चाहिए, लगा किस पर रहा है। शादी ब्याह में कई जगह तो निकाह रुक गया कि टीवी लाइए था निकाह होगा, भेजा टीवी लाया था। काजी ने पूछा निकाह पढ़ा है टीवी से कि बीबी से? अब तक कमाल के आदमी है, बीवी पहले ना बाद में ना टीवी है। पहले किसी को टीवी मतलब पता चला कि आपका निकाह बीबी से नहीं टीवी से हो रहा है। पहले किसी को टीवी पकड़ता था कभी कभी, तो फलानवा को टीवी पकड़े हुआ उससे दूर ना, अब तो पैसा दे के टीवी खरीद रहा है। और ससुराल वाला से कहता है बीबी तनखा दब रहा है तो कम चल जाएगा, लेकिन टीवी तनखा बढ़िया होना चाहिए। इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वाले न रहे। इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वाले न रहे। जिस मीडियम में लड़कों को भर्ती कर दिया वो कुरान कब पढ़ेगा? 3 साल की उम्र में सेंट थॉमस में, संजीवियस में, जेंटोमेट में एक नौकर ले गया, एक नौकर पहुंचा दिया। इतना हाई फाई करने के बाद स्कूल बाबू पढ़े कौन ची मैंने कुत्ता क्या पढ़ाई हो रही है? मम्मी मर गए, डैडी मर गए, बाबू कब्र पे जाके क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह तो याद नहीं, कुल अल्लाह तो याद नहीं, मौलवी साहब के यहाँ तो गए नहीं, कुरान को तो देखे नहीं, तो कंजे पढ़ेंगे? डी ओ जी डॉग डॉग मैंने कुत्ता रे टीचर टाटर मैंने चुहा सी टिकट कट मैंने बिल्ली कुत्ता बिल्ली चुहा है। अल्लाह मम्मी डैडी के कमर में तीनों पहुँचा देना, कुत्ता बिल्ली चुहा। बोलो हंसते हो रोने की बात है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कहता था अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा देता, कुल अल्लाह कहता था कुल अल्लाह पहुंचा देता, कुत्ता बिल्ली कहता था कुत्ता बिल्ली पहुंचा दे। इतना पैसा खर्च कर कुत्ता सीखा बिल्ली से? अरे ये पढ़ाई जो शुरू होता है कुत्ता से खत्म होता है बिल्ली पर। हम मदरसों में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है शुरू होता है अल्लाह के नाम से, खत्म होता है रसूल अल्लाह के नाम से, शुरू होता है बिस्मिल्लाह से, खत्म होता है रसूल अल्लाह पर। यही पढ़ाई के लिए हाफिज जी मांग लिए 10 रुपया, 10 रुपया आपका पैसा बराबर होता है, बराबर 100 रुपया देते हैं, तो क्यामत तक 100 रुपया देगा रे। लहसुन बिक गया 80 रुपये किलो, प्याज बिक गया 80 रुपये किलो, मस्जिद का दाम लहसुनों से दबे कि 100 रुपया 125 रुपया पर चलेगा। आ इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वाले न रहे। कुरान खानी ना हो तब तमाशा देखेगा, कुरान खानी ना हो तब मदरसा बंद हो जाएगा जी। आज दोस्तों से कहिएगा अब्बा हमने मर गए, जरा कुरान शरीफ पढ़िएगा, तो जाम नहीं भी नहीं किए सब दोस्ती खत्म। तुमको पेशाब लपेटे हुए थे का? मुसलमान नहाएगा तब ना पाक रहेगा, मुसलमान को एनी टाइम पाक रहना चाहिए। कम मलकुल मौत आ जाए, कम तुम्हारी नूह निकल जाए, कम से कम पाकी में तुम्हारी मौत तो हो। जिसका रसूल पाक है, जिसके खुदा पाक, जिसके अली पाक है, जिसके वली पाक, जिसके गौस पाक है, जिनके ईमान पाक, आज जिनके खान पाक, आज उस कौम का बदन ना पाक, ये कितने बड़े अफसोस और शर्म की बात है, ये कितने बड़े अफसोस और शर्म की बात है। आज चुपचाप बैठेगा कि उठे? हम धुलाई भी करते हैं, कुटाई भी करते हैं, तकरीर भी करते हैं।
जो बोलेगा हम वही करेंगे। आप तो बाबू बैठना, हम तो अच्छे अच्छे बदमाश को ठीक कर देते हैं। हमारा काम है आदमी को पढ़ाना। ये चार दिन के बच्चे का तबियत मेरी खराब है, लेकिन आफ्ताब बाबू गए दावत दिए तो बहुत मेहनत से ना तकरीर करते। हम चाहते हैं कीमती दौलत बर्बाद ना होने दे। दो ही आदमी सुने, लेकिन कायदे से सुने कि यहाँ से कुछ लेके जाए। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना